डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के तहत न्यू खुर्जा से न्यू भावपुर सेक्शन को रेलगाड़ियों के परिचालन के लिए जल्द ही खोल दिया जाएगा। इस लाइन पर 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से मालगाड़ियों को दौड़ाया जा सकेगा। इससे माल ढुलाई में तेजी तो आएगी ही, समय की बचत भी होगी। इसी के मद्देनजर ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के अंतर्गत न्यू खुर्जा से न्यू भावपुर तक बनकर तैयार हो चुके 343 किलोमीटर लंबी रेल लाइन पर रेल कार के जरिए इंस्पेक्शन रन किया गया। इस दौरान रेलवे लाइन से जुड़े हर पहलू का अधिकारियों द्वारा बारीकी से निरीक्षण किया गया। इससे इंडियन रेलवे को काफी फायदा मिलेगा और दिल्ली कानपुर के बीच में अभी बहुत ओवर कंजेशन है, खास करके क्योंकि उसमें पैसेंजर ट्रेनें भी बहुत ज़्यादा हैं और गुड्स ट्रेनें भी बहुत ज़्यादा हैं। तो करीब 17-18 ट्रेनें दोनों डायरेक्शन में, 17-18 इधर, 17-18 इधर, DFC ट्रैक पे आ जाएंगी। उससे इंडियन रेलवे का ये सेक्शन ऑफलोड होगा और दिल्ली कानपुर के बीच में उससे पंक्चुअलिटी को और इम्प्रूव करने में इंडियन रेलवे को मदद मिलेगी। गौरतलब है कि ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के अंतर्गत लुधियाना से सोननगर और सोननगर से दानकुनी तक 1875 किलोमीटर, जबकि वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के अंतर्गत दादरी से JNPT तक 1506 किलोमीटर लंबी रेल लाइन बिछाने का कार्य तेजी से किया जा रहा है। इनके पूरी तरह बनकर तैयार हो जाने से देश में आर्थिक विकास को और भी ज्यादा गति मिलेगी।